नीतीश कुमार जी का इकबाल जो है खत्म हो चुका है। बेचारे नीतीश कुमार जी से बिहार संभल नहीं रहा। ट्रांसफर पोस्टिंग मुख्यमंत्री के चमचे बेलचे करते हुए तो आप क्या अपेक्षा की जा सके? बिना चढ़ावे दिए हुए एक भी ट्रांसफर पोस्टिंग बिहार में नहीं होता। उनकी हत्या हुई है। हम लोगों की मांग है कि जो लोग भी दोषी है, गुनहगार है, उन सब पर जो है कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सभी लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए। अपराध जो है बढ़ता जा रहा है और अपराधियों के मन में पुलिस का भय नहीं रह गया है। अब दिन दहाड़े जो है हत्या की जा रही है, घर में घुस के मारा जा रहा है, और वो भी तब जब पुलिस के लोगों को कई बार इनके परिवार के लोगों ने सचेत किया था कि इनकी जान को खतरा है, सुरक्षा जो है मुहैया कराया जाए। कई बार, एक बार नहीं, कई बार जो है इनके द्वारा बोला गया, लेकिन पुलिस प्रशासन के लोगों ने जो है नज़रअंदाज करते हुए इनको सुरक्षा नहीं दिया। और आज नतीजा जो है आप सब लोग देख रहे हैं, इनकी हत्या हुई है। हम लोगों की मांग है कि जो लोग भी दोषी है, गुनहगार है, जो मुख्य लोग हैं, चाहे जेल के अंदर बैठ करके रणनीति बना रहे हों या जेल के बाहर हों, उन सब पर जो है कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सभी लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए और परिवार के लोगों को सुरक्षा या जो है वो मुहैया जो है वो करवाया जाए। और यहाँ काफ़ी मामला जो है आ रहा है, थाने का भी मामला आ रहा है, तो पुलिस में अगर कोई कमी है, किसके नेग्लिजेंसी में सूचित करने के बाद भी अगर ये घटना होती है, तो कोई ना कोई किसी ना किसी की जिम्मेवारी बनती है। तो क्या एक्शन लिया गया? अब तक पुलिस द्वारा जो है, हमने एसपी साहब से भी बात की है, आगे डीजीपी साहब से भी बात करेंगे, इस पे जो है कठोर एक्शन होना चाहिए। अगर जिस थाना में है कई बार सूचित किया गया है और जनप्रतिनिधि रहते हुए सूचित किया गया है, तब भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो नेग्लिजेंसी जो है इस पे एसपी साहब को कार्रवाई करनी चाहिए। और जब जिले में इतना बढ़ रहा है और नीतीश कुमार जी का इकबाल जो है ख़त्म हो चुका है, बेचारे नीतीश कुमार जी से बिहार संभल नहीं रहा, अपराधी जो है खुलेआम घूम रहे हैं। नीतीश कुमार जी जो है गृह मंत्री भी हैं, उनके पास डिपार्टमेंट भी है, पुलिस महकमा है, लेकिन लगातार जो है अपराध बढ़ता जा रहा है, अपराधी के मन में डर नहीं रह गया है। और जब पुलिस प्रशासन का ट्रांसफर पोस्टिंग मुख्यमंत्री के चमचे बेलचे करते हुए तो आप क्या अपेक्षा की जा सकती है? हम लोग शुरू से ही इस बात को कहते रहे हैं कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग जो बिहार में पुलिस महकमे का होता है, कुछ खास लोग जो हैं, जो प्रशासन के प्रशासनिक जो लोग हैं, वही कुछ खास लोग जो है करते हैं। डीजीपी की सुनी नहीं जाती है, डीजीपी का रिकमेंडेशन माना नहीं जाता है, क्योंकि डीजीपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। और जब डीजीपी जब कहता है ट्रांसफर पोस्टिंग को लेके एसपी, एसएसपी, आईजी, डीएसपी का जब रिकमेंडेशन मुख्यमंत्री को दिया जाता है, तो मुख्यमंत्री के कुछ चमचे बेलचे जो है उस रिकमेंडेशन को ना मानते हुए अपने हिसाब से बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग किया जाता है। और ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो क्यों किया जाता है, कैसे बिहार में हो रहा है, ये बिहार की जनता भली भांति जानती है। बिना चढ़ावे दिए हुए एक भी ट्रांसफर पोस्टिंग बिहार में नहीं होता। और इस जरिए जो है पुलिस महकमा जो है दिन प्रतिदिन जो है लूट में लगा हुआ है, बल्कि अपराधियों को पकड़ने में लगना था तो ये लोग खुद जो है दूसरे चक्कर में फंसे हुए लोग हैं। तो इसलिए नीतीश कुमार जी का इकबाल ख़त्म है। बिहार में लगातार रेप की घटनाएं, किडनैपिंग, जनप्रतिनिधियों की हत्या, लूट, बलात्कार, बैंक की डकैती, हर जगह हो रहा है। तो इसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल जो है महागठबंधन, हम लोग मजबूती से इस बात को लगातार उठा रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि
इस परिवार को जो है न्याय मिले। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।